आज होने वाला है भाई फर्स्ट रोड ट्रिप ऑफ आवर न्यू कार स्कॉर्पियो N4x4 और अभी पता भी नहीं है कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं, बट यस आज का OOTD देख लो भाई, शर्ट जीन शूज वही सिंपल सोबर कपड़े, लेट्स गो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। ये है भाई हमारी ऑल न्यू कार जिसमें अभी तक बहुत ही कम हमने ट्रेवल करा है, बट आज फाइनली कहीं तो निकल रहे हैं। और आज भाई गर्मी भी इतनी ज़्यादा है ना, ये देख लो हमारी काली अंदर बैठी है आराम से, लेटी हुई है। ये मार्बल थोड़ा ठंडा ठंडा लगता है ना, इसलिए चल काली बाय। एंड फिलहाल तो मैं अकेला हूँ, बट आज मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ। और इसकी बेल्ट की साउंड भाई मुझे सबसे प्यारी लगती है, नहीं तो और कारों में जैसे हार्श सी होती है ना, इसकी मतलब कानों में चुभती नहीं है। और ये अपने पहले खिलाड़ी आ चुके हैं, क्या हाल है? एकदम बढ़िया। बट ये तो बैग क्यों लाए हो भाई, क्या लंबा प्लान है क्या हमारा? मैं क्या पता नहीं, तेरा भरोसा नहीं। और दूसरे खिलाड़ी भी आ चुके हैं, यतिन भैया क्या हाल है? बढ़िया भाई, तू सुना। ऑटोमेटिक कार का एक तो फायदा, व्लॉगिंग में तो फायदा हो रहा है हमें। चलो सर डीप आ दो, ये देखो पटके मार रहे हैं, तोड़ता हूँ तेरा गियर लीवर अभी। बट जो चक्कर पड़ रहे हैं ना, मैंने कल इसमें फास्ट टैग लगवाया था, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। बट ये है भाई, रुक जो बंदियां देख रहे हो, लग रहा है वो रोबोट है। और यार AI वाली होगी ना भाई, AI का जमाना है। देख लो भाई बीच में टोका टाकी, दो मिनट रुक जो भाई, मैं आपको ये बता रहा था भाई, जो ये फास्ट टैग है ना, ये चेसी नंबर पे, यार रुक जो फास्ट टैग है ना भाई, ये चेसी नंबर पे है, ठीक है? तो मैं गूगल पे मतलब कि एंटर कर रहा हूँ ना, कुछ आई नहीं रहा है। और जो ICIC का है, इनकी साइट भाई क्रैश हो रखी है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं रिचार्ज कहाँ से कराऊँ। तो इसलिए एक बार पूछते हैं पहले कि भाई क्या सीन है, और जैसे मुझे पता चलेगा मैं आपको भी बता दूंगा। भाई थम जो बंदियों के लिए इतना क्रेज यार, छोड़ो यार, मैं तो भाई वन वुमन मैन हूँ साफ से भाई, हद ही होगी भाई, शादी हो रखी है इस बंदे की, भाभी अगर आप देख रहे हो। और हाँ यार, एक भाई का मैसेज आ रखा था, मतलब वो इधर ही रहते हैं पिंजौर कालका में, कहते भाई आप पहले ऐसे होंगे जिसके 1 लाख हमारे इधर हमारे एरिया में क्रॉस हुए यूट्यूब में। मैं कहा भाई ये बात तो है, बड़ा अच्छा लगा सुन के। चंडीगढ़ में तो भाई होंगे और भी, बट हमारे एरिया में जो पिंजौर वाला एरिया है उधर ऐसा भाई। मैं कहा थैंक्स भाई। कितना ट्रैफिक भाई, कितने लोग जा रहे हैं भाई हिमाचल? यार आज तो सैटरडे है तो ये बंद पड़ा है, बताओ। चलो भाई काम बन गया, अब मैं आपको समझाता हूँ भाई सीन क्या हुआ। जैसे हमारा चेसी नंबर पे है ना, वो गूगल पे से नहीं होता चेसी नंबर पे, ठीक है? क्योंकि यार गूगल पे व्हीकल नंबर मांगता है वो, ICIC के ऐप पे हो नहीं रहा था, कोई और ऐप है भाई eToll करके है, वो भी ICICI की है, उसमें हो जाएगा। अगर आपका आईफोन है ना तो ICICI पे मोबाइल जो है उसमें ना वो आता है फिंगरप्रिंट नोट में, तो eToll करके ऐप है, उससे इजिली हो जाएगा। ओहो पार्टी होगी आज तो। और भाई मैं पहले आपको बता दूं, ये देखो हमने पूजा भी करा रखी है, हम में से कोई भी दारू दूरू नहीं पीता है, कोई अल्कोहल नहीं पीता है, ये जस्ट खाने पीने के लिए हम ऐसे ले आए, इससे आई नो गलत इंप्रेशन जाते हैं, बट रियलिटी यही है भाई, अल्कोहल का कंजम्पशन कभी भी नहीं करते ना, आपको वीडियोस में भी ऐसे दिखता होगा जैसे गलती से, बहुत लोग इसकी वीडियो में आपको दिख जाता है ना। और यार वैसे ना अभी मेरा माइंड चला, मेंटोस खाई थी मैंने तो बत्ती चल गई, कि टाइटल और थंबनेल में तो सब कुछ दिख ही देगा, मैं सस्पेंस बना रखा है भाई। हम लुधियाना की साइड जा रहे हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसके अलॉयस चेंज करवाने, बट यस एक डिस्क्लेमर मैं पहले दे देता हूँ, कहीं फिर बाद में वही कमेंट्स में क्लिकबेट आए भाई, अलॉयस चेंज कराने इन द सेंस कि उधर रेट पूछने, उधर 2-3 शॉप्स आपको होते हैं फेमस हैं, और आपको ना एक रियलिटी चेक भी हो जाएगा कि भाई उधर क्या रेट वगैरह है चंडीगढ़ के कंपैरेटिवली। चंडीगढ़ में कल आपने एसेसरी वाली वीडियो देखी होगी, मैंने भाई पूछ लिए थे जहां से मैंने बलिनो वगैरह के डलवाए थे, तो मुझे एक आइडिया मिल जाएगा और इसके थ्रू आपको भी आइडिया मिल जाएगा, तो एक पता चल जाएगा कि भाई वर्थ है लुधियाना की साइड जाना, स्पेशली अलॉयस डलवाने 20 इंच या फिर 18 इंच में ही देखेंगे। और टायर भी ऑब्वियसली बात है भाई चेंज होगा अगर 20 में गए, उधर जाके देखेंगे भाई, अगर पसंद आया कुछ तो डलवा लेंगे, बट यस अभी पक्का नहीं है भाई। बट एक चीज पक्की है, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही तगड़ी मिलेगी, क्योंकि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं होने वाली है, बट फिलहाल का जो सीन है भाई जीरकपुर में देख लो जाम कितना ज्यादा है, बट ये है भाई ऑटोमेटिक का फायदा बहुत है, मजा इसका ही है भाई। देखो मैनुअल का तो ऑटोमेटिक चला रहा हूँ, चलाने में ऑब्वियसली बात है भाई कि मैनुअल में भी मजा आता है ज्यादा, बट ऑटोमेटिक ठीक है यार। एक तो इसकी एड्रेनोक्स के इतने नोटिफिकेशन आते हैं आपको क्या ही बताऊं, इसके नोटिफिकेशन ही बंद करने पड़ेंगे यार। हमने दिन बड़ा गंदा चूज करा है वैसे, सैटरडे को इधर जाम, अभी पटियाला में भी जाम मिलेगा, जल्दी से जाम क्रॉस हो जाए भाई, फिर मैं आपको हाईवे पे मिलता हूँ। ये तो देखो शुरू हो गए खाना भाई, चकना तो है वो कहा है सिस्टम, खंबा कहा है। भाई हद जाम जिसे कहते हैं ना, बट फाइनली जाम क्रॉस हो चुका है और हमारी ट्रिप का दूसरा टोल और फास्ट चेक तो हमारा चल ही रहा है, मतलब कि मंथली पास वाला तो चल गया हमारे उधर का, इधर देखते हैं चल जाएगा। इधर कहीं पे लिखा नहीं आता क्या? हरी लाइट ही आएगी बस मेरे ख्याल से, हो जा भाई कैश ओ नहीं, कहीं भी नहीं लिखा आता। कितने का था? 45 वन वे, वही आते हुए 25 रुपए और कट जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। बट यार ऑन अ सीरियस नोट, जो इस कार को चलाने में मजा आ रहा है, अभी तो आगे और हाईवे है, मतलब लैडर ऑन फ्रेम, बट जो स्टेबल चल रही है यार कार, 100 पे भी कट कुट मार रहे हो लैडर ऑन फ्रेम चेसी पे यार, मजेदार। छोटे मोटे निगल्स हैं कार में,
वो देखो मैं अभी भी बोलूंगा, वो मैं आपको इन फ्यूचर जरूर बताऊंगा। बट यार ये देखो आप MID कितनी एस्थेटिक लग रही है, नेविगेशन हमने लगा रखी है। बट भाई स्कॉर्पियो एन में अभी तक एप्पल कारप्ले ही नहीं आया यार, ये बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। भाई राजपुरा एंटर हो चुके हैं और सही में डैश कैम की बहुत जरूरत है, रॉन्ग साइड वो भी पुलिस वाला बलैरो में, हद होगी यार। भाई मैं वही सोच रहा हूँ अगर डैश कैम लगा होता जो शॉट आता भाई। और ये देखो दूसरा पैकेट भी खोल दिया भाई ने, चटोरे तो बहुत हैं भाई। ये है हिम्मत वाला काम स्कॉर्पियो क्लासिक में, आपको पता है चलो बॉडी रोल पहले से तो कम हो चुका है, बट ऊपर देखो कितना सामान है कैरियर पे, क्या झूलरी होगी भाई ये कार अगर तेज मारेंगे। हाँ और ये वैसे ना रिस्की है भाई, देखो ऑन अ सीरियस नोट अगर बाय चांस भगवान ना करे गिर जाए बैग, वो लग नहीं रहा जैसे जो मोटे लोग होते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ भाई, जैसे मैं मोटा हूँ मैं टाइट शर्ट पहन लूँ बटन होते ही बस टूटने वाला है, वो वाला हिसाब हो रखा है भाई इसके साथ। भाई अब दिखाओ ना, गालियां क्यों दे रहे हो अब भाई? भाई की ना उम्र हो गई है तो लड़की ढूंढ रहे हैं shaadi.com पे। नहीं जब मेन बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि लड़की पसंद आ गई कोई, मतलब लड़की ने भाई को पसंद कर लिया, बट आज के टाइम में ना ये हो रखा है कि shaadi.com ही टिंडर है और टिंडर ही shaadi.com है, मतलब वो वाला सीन नहीं रहता गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। भाई 3:30 होने वाले हैं और फाइनली हम पहुंच चुके हैं लुधियाना, और इधर भाई एक शॉप नहीं है 5-6 शॉप्स हैं, वो अलग बात है कि एक दो शॉप्स इधर ज्यादा ही फेमस है। जिस पे हम सबसे पहले जा रहे हैं ये है वेलोसिटी टायर, इधर पूछते हैं क्या रेट है। और एक इधर KB टायर्स भी है, वो भी भाई फेमस है, एक मोगा टायर्स भी है, एक वर्क एंड व्हील पता नहीं कुछ ऐसी भी है, वही कह रहा हूँ बहुत सारी है वैसे देखा जाए सारी ही फेमस है भाई। और इधर से एंट्री किधर से है, मैं तो पहली बार आ रहा हूँ भाई इधर। भाई आज तो भीड़ बहुत कम है, चलो भाई अब देखते हैं, रियलिटी चेक दूंगा भाइयों मैं आपको बिल्कुल ही, अगर आप इधर आओगे तो कैसा ट्रीटमेंट मिलेगा कैसा नहीं। मैंने कुछ नहीं बोलना कि मेरा यूट्यूब चैनल है ये है वो है, बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेंगे बस। पूरे रास्ते बंदा खा के आया है, देखो सारे पैकेट चट कर दिए भाई ने, भाई हद होगी भाई, हद जिसे कहते हैं ना, यहाँ तक कि मूंगफलियां तो नीचे भी गिरा दी भाई। ये देख लो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना हब में आ गए, इतनी वैरायटी ना आपको चंडीगढ़ में नहीं मिलेगी भाई जितनी वैरायटी आपको इधर मिलेगी। जैसे मैंने आपको बोला था ना कि मैं बताऊंगा नहीं यूट्यूब वगैरह का, इधर एक सब्सक्राइबर भाई मिल गए तो इन्हें पता चल गया, अब देखते हैं क्या ट्रीटमेंट मिलता है। 1, 2, 3, 4, 5 अच्छा 6, 7, 8 और एक ये 9 अच्छा ये 20 इंच में डायरेक्ट फिटिंग के अलावा है। अच्छा जो फिटिंग हो जाते हैं बिना किसी कन्वर्टर के बिना किसी अल्ट्रेशन। मैं ना एक बार वो बता दो प्राइसिंग की एक आइडिया सा हो जाए। प्राइस भी है देखो 4 पीस 20 इंची के मेरे पास, अगर आप ब्रांड के अकॉर्डिंग भी देखेंगे ना तो 48,000-47,000 से स्टार्टिंग, 45,000 मान के चलो स्टार्टिंग है, 45,000 मतलब विद फिटिंग वगैरह सब कुछ ही होगा ठीक है। उसके बाद मेरे पास 20 इंची के जो 4 पीस है मेरे पास 90,000 तक भी पड़े हैं। 90,000 के कौन से लाख में भी पड़े हैं मेरे पास, 1 लाख के भी 4 पीस, 1.5 लाख के भी 4 पीस पड़े हैं। कौन से ब्रांड के? वो भी फोर जो होते हैं रिम, मतलब फोर रिम होते हैं जो जिसकी टूटने की भी गारंटी होती है। अच्छा वो होते हैं महंगे अलॉयज। अच्छा वो मिलते नहीं है वैसे, वो इंपोर्ट करवाने पड़ते हैं बाहर। अच्छा अच्छा टूटने की कंपनी होती है? नहीं नहीं वो अपनी चलाई के ऊपर, चलाई के ऊपर होता है वैसे। कहां आती है? 18 इंच ओरिजिनल में तोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ज्यादा कौन से बात है, कौन से प्रेफर करते हैं, कौन सी प्राइस रेंज है? 45 से 60 वाले या 60 से बेसिकली ना ब्रांड के अकॉर्डिंग हम रिकमेंड करते हैं। अगर आप कोई अच्छा ब्रांड डालोगे जैसे आप RPM का, ये तो भाई हो गया नियो व्हील्स RPM व्हील्स। वैसे भैया जो वो आते हैं स्कॉर्पियन के ओरिजिनल 18 हो गए या 17 हो गए, कंपनी में 60-70 के मिलते हैं, वो किस रेंज में होते हैं अगर किसने लगवाना हो जो ओरिजिनल आते हैं स्कॉर्पियन में 18 में? हाँ 18 में आपको कंपनी की तरफ से तो मेरे हिसाब से 17-18 हज़ार का एक रिम होता है। हाँ वही मतलब 70-80 तक का पड़ता है। तो लेकिन आप कटवाने जाओगे तो टोटल सामान ही आपका मतलब चेक करना पड़ता है कौन सा। नहीं आप वैसे कितने के सेल करते हो अगर किसी को डलवाने होते हैं ना ओरिजिनल OEM वो वाले? हाँ 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 हम दे देते हैं भैया 30-35 हज़ार में। अच्छा आधे में इधर मिल जाए और ओरिजिनल की वो होती है और ये होता है 8-10 किलोमीटर चली होती है। हाँ 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 वही मतलब उधर के। अच्छा अच्छा और 18 में क्या है आफ्टर मार्केट में वैरायटी? आफ्टर मार्केट में डायरेक्ट फिटिंग में मांग रहे हो? हाँ हाँ डायरेक्ट में, मैं तो डायरेक्ट में ही कराने की सोचूंगा। 18 में मिल जाएगा भैया और टायर साइज मेरा वही रहेगा 255 है ना? हाँ उसी में फिट। अगर उसमें आप चौड़ा करना चाहते हो थोड़ा वाइड लुक चाहते हैं तो आप चौड़ा भी डाल सकते हो। वैसे जो आपका अलॉय अभी यहाँ पे है जब आप आफ्टर मार्केट लोई डालोगे ना उसी टायर में वही टायर आपका ऐसे आ जाएगा, यानी जेन्युइन लुक बन जाएगी फेंडर लाइन से थोड़ा सा। ये 18 हो गया। हाँ जी
नजरें इधर जा रही है, कितने के है ये? फॉर्च्यून एंडेवर के लिए, अगर आपने जैसे कन्वर्टर लगाने फिर तो लग जाएंगे 20-22 दिन तो प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब जो हमारी रनिंग है 4x4 ये सब चीजें। एक बार आप वो बजट बता रहे थे ना कितना बजट भी आपका सामान कट करके, हाँ मतलब 18 इंच वाले सारे रिम टायर काट के 20 इंच अलॉय टायर डाल के स्टार्टिंग बजट जीरो से स्टार्ट हो जाएगा 20 में। हाँ जी। अच्छा, और टायर कौन सी कंपनी के होंगे? इम्पोर्टेड। अच्छा अच्छा, मतलब ऐसे नहीं योकोहामा वगैरह को? नहीं, योकोहामा भी मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है उसमें। हाँ, हाँ। ब्रांड सारे मिल जाएंगे बट वो महंगा चल जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा फिर बजट। तो जो वो इम्पोर्टेड होते हैं चाइनीज होते हैं ना मेरे ख्याल से वो ना? कौन सा? जो इम्पोर्टेड आप कह रहे हो? हाँ जी हाँ जी। वारंटी वगैरह उसकी? वारंटी भी ब्रांड के अकॉर्डिंग है, जैसे इम्पोर्टेड आ रहे हैं उनके टायर की होगी कटने फटने की वारंटी भी आती है? नहीं भी आती है। 20 में यही है ना डिजाइन? तो डायरेक्ट फिटिंग में यही है। अच्छा, अब आप दूसरे देख लो जो कन्वर्टर के साथ फिट हो गए, कन्वर्टर के साथ तो ये भी फिट हो सकते हैं, ये 22 तो जाना ही नहीं ना, जो जाना ही नहीं क्या फायदा, सारे 20 हैं, ये सारे 20 कन्वर्टर के साथ ये फिट हो जाएंगे। भाई वैरायटी देख लो कितनी ज्यादा है, और ये वाले अलॉय तो बहुत फेमस है, आपने देखा ही होगा। ये भी बिग टन मतलब ये भी फिट हो जाएंगे सारे वहां पर भी है। अच्छा, सारे 20 है? सारे 20 इंच। यश भाई कैसे हो? क्या ले भाई, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया भाई। इधर जो सबसे यूनिक डिजाइन मुझे लगा ना ये लगा है, अभी तक मैंने देखा नहीं किसी भी स्कॉर्पियो में, और हमारी हैवी वाइट तो एक कंट्रास्ट भी अच्छा क्रिएट होएगा। और ये फ्यूल वगैरह के यार बहुत ज्यादा कॉमन है, जो अलग डिजाइन है आपने थार वगैरह में बहुत देखे होंगे, और ऐसे कुछ है अपनी बलिनों में, तो मेरा मन तो उस पर ही आ रहा है। ये भैया कन्वर्टर भी लगेगा ना? ये भैया कन्वर्टेबल। और इस टाइम भाई मैं इतना ज्यादा कंफ्यूज हूँ ना, अगर आप लोग भी आ रहे हो ना आप कंफ्यूज हो गए, पसंद भाई ऑब्वियस बात है इतने सारे आ जाते हैं, बजट भी ज्यादा चल जाता है। अब मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको बताऊँ तो बजट मेरा भाई इतना है नहीं, और जगह जाएंगे और कंफ्यूज होएंगे। एक्चुअल में ये गन्ने का खेत है। आगे और बढ़िया, आगे और बढ़िया। और वैसे मतलब अगर ब्लंटली बोलो आप, जैसे जो आपकी शॉप है अगली कोई और शॉप अगली कोई, तो इनमें रेट डिफरेंसेस क्या रहते हैं? देखो भैया आप कहीं भी जाओगे, हाँ, अगर एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करोगे तो, हाँ, ज्यादा फर्क नहीं निकलेगा। एंड यार जो मैंने अभी आपको ना टायर दिखाया था, अभी बात करते करते हम जा रहे थे, भैया ने खुद ही बोल दिया, भैया एक बार खुद ही रिपीट करना है वो बात, वो बहुत जेन्युइन बात है, नहीं तो दुकान वाले बोलते नहीं ऐसी चीजें। आप कुछ भी डलवाना चाहते हो, हाँ, तो पहले किसी भी शॉप पे जाते हैं, उससे डिस्कस करना चाहिए, गाइडेंस लेनी। बिल्कुल बिल्कुल। उससे क्या होता है, हमें जो चीजों का नहीं पता होता ना वो हमें गाइडेंस लेने से पता चल जाता है। हमें 80% पता होता है, हम मार्केट पूरी भी घूम लेना फिर 80-90% पता होगा, 10-20% फिर भी छूट ही जाता है। तो इसी का ध्यान रखना चाहिए, जैसे आपकी स्कॉर्पियो है ना, आप उसमें 20 इंच अलॉय डालते हो, तो कन्वर्टर के साथ भी ऐसे रिम है जो कन्वर्टर के साथ लगाने के बाद भी, हाँ, बाहर नहीं आते ज्यादा, उसका चलान वगैरह नहीं होता, नहीं होता। कई रिम ऐसे होते हैं जो विदाउट कन्वर्टर भी चलान करवाने के लिए, जो मैंने आपको दिखाया जो मुझे पसंद आया, भैया ने कहा इनका तो चलान आपका होएगा ही चंडीगढ़ में, क्योंकि वो बाहर आएंगे बहुत ज्यादा। एक तो पहली बात तो उसके साथ कन्वर्टर लगना है बिल्कुल, ऑफसेट वाला पीस है, कम से कम मान के चलिए 2-3 इंच तो मिनिमम बाहर आएगा, बट कार की लुक भी बहुत अच्छी आएगी, लुक तो फिर निकलती है या फिर शक्ल। भाई मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप इधर आओगे ना आपको गाइडेंस भी मिल जाएगी, तो आधी कंफ्यूजन वैसी दूर हो जाएगी। 275 50 R20 अभी है भाई हमारा, 255 R18 कितना ही ह्यूज टायर है भाई। और ये कौन से हैं भैया? AS है, ऑल सीजन कौन से होते हैं? ऑल सीजन भैया सिर्फ पैरेलल नहीं, वो MRF के जो है उसमें AS ही है। ये आपकी गाड़ी के टायर है, ठीक है भैया? ठीक है। जैसे हम एक बार हम थोड़ा सा एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, जैसे ये टायर 10,000 का है, हाँ, ये टायर 15,000 का है, ठीक है, ये टायर 20,000 का है, इन तीनों के साथ एवरेज भी सेम है, तीनों की पिकअप भी सेम है, ठीक है, रोड नॉइज भी, रोड नॉइज भी जीरो है। अच्छा, तीनों का कम्फर्ट लेवल भी सेम है, ठीक है, फर्क क्या है? सिर्फ ब्रांड का, हमारे मन को तसल्ली है कि हमने यार गाड़ी के नीचे ब्रांड डाल रखा है, वही चली थी। मेजर पता क्या है, जैसे मेरे साथ पहले इशू आया था ना, जो कंपनी वाले नहीं होता ना, मतलब कि वरना का जो पहले वो था जो हुंडई नहीं देता है, तो वारंटी में बड़ी वो दिक्कत आती है ना, ठीक है, वर्थ जीरो है। भैया कुछ सीन तो चल रहा है, मैं आपको बताता हूँ क्या चल रहा है। चलो भाई, वेलोसिटी टायर से तो हम निकल चुके हैं, और अब मैं आपको पूरा सिनेरियो बताता हूँ भाई, अच्छे से आप सुनना और समझना बात को भाई, क्योंकि आपको नॉलेज अच्छी खासी मिलेगी। सबसे पहले ओवरव्यू बताऊँ ना भाई, नो डाउट स्टाफ बहुत ही बढ़िया, जो हमें भाई गाइड कर रहे थे, नॉलेज उन्हें अच्छी खासी है, चंडीगढ़ से मतलब कोई और जगह से इधर ना जो मेजर डिफरेंस लगेगा वो यही लगेगा कि भाई इधर के स्टाफ को नॉलेज है, गाइडेंस अच्छी खासी करते हैं, नहीं तो कौन बोलता है भाई कि चलान हो जाएगा ये मत डलवाओ। तो इन्होंने बताया भी उसके लिए, तो भाई 5 में से 5 marks है इन्हें। और रेट्स वगैरह यार देखो ज्यादा लग सकते हैं आपको, मुझे देखो एज कम्पेयर टू चंडीगढ़ ना कोई मेजर फर्क ऐसे लगा नहीं, ऐसे तो 1-2 हजार का अगर हुआ वो तो देखो दिमाग में आप रखना ही मत, क्योंकि आपका डीजल वगैरह का भी खर्चा हो जाएगा। एक चीज जो मैंने नोट करी ना, ये एक कंपनी में बहुत ज्यादा डील करते हैं, उसमें आपको अच्छी खासी छूट मिल जाएगी, जो कि RPM व्हील्स। अगर आपको वो कंपनीज के अलॉय डलवाने हैं तो आप इधर आ सकते हैं,
बट यस वैरायटी हद से ज्यादा है। एंड अब मैं अपने सिनेरियो की बात करता हूँ भाई, मुझे पसंद आए थे 20 इंच के अलॉय व्हील्स, ठीक है, उसमें चक्कर पड़ रहा था, अगर मैं टायर चाइनीज दिलवा लूं तो मेरी कॉस्टिंग 0-0 आती, मतलब 5-6 हजार आ जाती ये वाले बेच के। और हाँ, स्कॉर्पियो इनके जो 18 इंच के अलॉयज हैं, टायर्स हैं, पता कितने के बिकेंगे भाई, 80 से 1 लाख के बीच में वो बोल रहे हैं। मतलब रेट ना इन्होंने ऐसे प्रॉपर क्लियर नहीं करे, एक ओवरव्यू सा दे दिया। एंड इन्होंने मुझे कहा भी कि भाई आप दिलवा के भी देख लो, बट मेरे माइंड में यही था भाई क्यों सामने वाले का टाइम वेस्ट करना, क्योंकि जो मुझे पसंद आ रखा था ना भाई वो वही वाला था जिसमें चला नहीं सकते, वो तो देखो हट ही गया था। वो हम डलवाने वाले भी थे तभी उन्होंने बोला था, मतलब कि जब मैंने बाद में कैमरा ऑन करा ना कि भाई इसका चलान हो जाएगा, वो उसका मन था मेरा डलवाने का, क्योंकि जो डलवाना है जिसका मन है वो तो आप डलवा के देख लो, बट बेफालतू में आपको बताया ना होते हैं कि भाई डलवाना डलूना है नहीं, ऐसी 10-15 लोवीज डलवा लिए, तो मैं क्यों दूसरे का भी टाइम वेस्ट करना, अपना भी टाइम वेस्ट करना। एंड अगर मैं कॉन्टिनेंटल के टायर पे जाता तो मेरा 40-50 हजार रुपए प्लस आता, बट चाइनीज टायर पे जाता तो भाई 5-10 हजार का खर्चा आता। बट मैं आपको यही कहूंगा चाइनीज टायर पे यार मत जाओ तो ज्यादा अच्छा है, जो मुझे लगता है। सबके अपने ओपिनियन हो सकते हैं भाई, आप जा भी सकते हो, मैं बस आपको अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। एंड इस वीडियो में एक आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अगर आप इधर आएंगे टायर्स वगैरह डलवाने। एंड इसके सिवा भाई जो मेन बात है भाई, दिमाग का दही हो गया यार। देखो मैं आपसे क्या बात छुपाऊं भाई, मेरा मन था कि मैंने अलॉय व्हील डलवानी है 20 इंच, 20 से ऊपर ये नहीं कि 24-22 ये वो फुकरी वाली चीजें नहीं, 20 इंच का मन था और कंपनी का, क्योंकि आपको बताइए भाई वरना मेरे साथ क्या सीन हुआ था, और बलिनो में भी यही सीन हुआ था कि भाई टायर फट गया था, तो वारंटी मिल जाती है तो खर्चा कम होता है। बट इधर जो मैंने एक चीज नोट करी ना, ये मतलब कि चाहते थे कि हम चाइनीज टायर ही लें, आपने एक चीज नोट करी, कॉन्टिनेंटल का इसको देने का मन नहीं था मतलब बंदे को। अब कुछ भी हो सकता है कि इनका मार्जिन ज्यादा हो, कुछ हो, ये हो वो हो, धंधा लेके बैठे हैं बंदे तो अपना सोचेंगे। तो मैंने जैसे अपना थोड़ा बहुत माइंड यूज करा, मैं कहा यार चाइनीज टायर करूंगा वारंटी मिलेगी नहीं, कॉन्टिनेंटल की वारंटी है, तो वही था कि 50-60 हजार रुपए का खर्चा आ रहा था। तो कमेंट सेक्शन में भाई आप लोग बताओ आपको क्या लगता है, 20 इंच डलवाने चाहिए या फिर 18 इंच पर ही रहना चाहिए जो ओरिजिनल इसके आते हैं। एंड 4x4 लिए तो ऑब्वियस बात है भाई ट्रिप्स वगैरह हम एक्सट्रीम भी करेंगे, इसका यूज करेंगे, तो वो सब चीजें भी ना मैं माइंड में रख रहा हूँ भाई, 20 में कोई दिक्कत ऐसे आनी तो नहीं चाहिए। भाई आपको क्या लगता है डलवानी चाहिए? टॉप मॉडल लेके भी डलवाने तो फिर फायदा क्या टॉप मॉडल का? ये तो है, बट तभी तो मैं 18 पे नहीं जा रहा, अगर डलवाऊंगा तो 20 ही डलवाऊंगा भाई। अब डलवाने को मैं कभी भी डलवा तो सकता हूँ, बट कंफ्यूजन यार बहुत ज्यादा है। या फिर जो एक और ऑप्शन है जो सबसे ज्यादा महंगा पड़ेगा बट मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है कि जो इसके निकलेंगे ना टायर वगैरह वो मैं रख लूं और न्यू डलवा लूं, मतलब कि इन्हें रख लूं, कहीं ट्रिप ट्रुप पे जाना हो तो बाद में चेंज वगैरह करा लिए। बट जो उसके साथ भाई खर्चा आएगा वो आ जाएगा भाई 1.5-2 लाख तक का, जो मुझे पर्सनली लग रहा है। बाकी तो यार देखते हैं क्या सीन बनता है क्या नहीं। एंड जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था भाई कि मैं बताऊंगा नहीं कि ऐसा ऐसा यूट्यूब का सीन है, बाय चांस ही भाई उधर कुछ भाई लोग मिल गए तो उन्हें पता चल गया था सामने से, तो रेट वगैरह मेरे ख्याल से तभी नहीं क्लियरली हमें बता रहे थे, पता नहीं भाई क्या सीन है क्या नहीं, क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया का जमाना है, इधर से बहुत सारी चीजें आगे ट्रांसफर होती है। यार अभी अभी ना भाई ने एक पॉइंट मारा और मुझे वो सच में भाई दिल पे जैसे कहते हैं चुभ गया कि भाई अगर आफ्टर मार्केट अलॉयज मॉडल में आपने लगवा ली है तो वही लगेगा कि भाई ये कन्वर्ट ही करा रखा है पूरा मॉडल Z6 Z4 से, समझ रहे हो ना, ये बात भी है यार भाई, बातें तो बहुत सारी हैं। और अगर हम सोचे ना बंदे Z6 Z4 वगैरह लेके ये वाले अलॉय व्हील्स डलवाते हैं या फिर Z8 मैनुअल लेके ये वाले अलॉय व्हील्स डलवाते हैं, कंपनी में भाई ये वाले अलॉय व्हील्स मिलते हैं 70 हजार तक के, 18 की मैं बात कर रहा हूँ। बट ये वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने क्लियर कर दिया था कि भाई पक्का नहीं है ना, मैं टाइटल में लिखूंगा कि इंस्टॉलिंग अलॉय व्हील्स ये वो फलानी चीजें, टाइटल में मैं शायद ये लिख दूं कि भाई स्कॉर्पियन में अलॉय व्हील्स डलवाने पंजाब आ गए, ये हो गया वो हो गया, तो टाइटल भाई थोड़ा बहुत ऐसे लिखना भी पड़ता है, नहीं तो आप खुद ही देख लो भाई अगर किसी का मन ना हो बेलियां मारने ना इतनी दूर आएगा नहीं। बट आई होप यार आपको नॉलेज तो मिल चुकी हो कि इधर आना वर्थ है या नहीं। भाई सुबह के निकले हुए हैं तो हमने सोचा कुछ खा लें, तो जो हमने स्टॉप लिया है ये है सरंद के पास, इधर है मैकडी और वो देखो भाई हमारा रिबन उतर गया, तो सबसे पहले भाई ये काम करते हैं जो ये है ना लाल वाला था ये भी निकाल देते हैं भाई, ये 2 दिन तक ही रखा करो नहीं तो फिर रंग लग जाता है, अगर व्हाइट कलर है, और रिबन तो उड़ गया, ये भी निकाल देते हैं। ओहो डेथ भी हो रखी है यार, ये तो किसी की RIP जी भाई, कितनी ह्यूज लगती है यार ये कार वैसे ना, ऑन अ सीरियस नोट। अब इधर से इसकी गांठ खोलते हैं भाई, आपको गांठ खोलने का एक्सपीरियंस नहीं है क्या? ऑन कैमरा कुछ अभी खोल दी फिर गांठ, अरे थोड़ी भाई की बातचीत है, मैं आज घूम भी तो भाई हफ्सियों के साथ रहा हूँ, अभी मैकडी में खा लिया, भाई कह रहे डोमिनोज भी खाने, तो भाई ये देखो आए डोमिनोज ही बंद था, लेकिन चलना पड़ेगा दूसरा डोमिनोज चलना पड़ेगा। ओ भाई यहाँ KFC चलते हैं भाई, जो KFC की हालत है ना डोमिनोज की तरह बंदी होने वाले है। बड़े लिखे ओ यार ये तो बस क्या ही बोलना इनके बारे में, तो यार KFC आए थे इधर लिखे पेट्स नॉट अलाउड, भाई वापिस जा रहे हैं, भाई चल लो यार खा लेंगे कुछ, क्यों जा रहे हो भाई क्या हो गया है भाई?
सॉरी फॉर द पुअर जोक, क्या करें हमें पुअर जोक ही आते हैं, बट प्लीज ये सब चीजें मत किया करें भाई। आपको एक ज्यादा ही ट्रांसपेरेंसी वाली बात बताऊं, उधर तो चलेंगे अभी ना, जैसे मैंने आपको दिखाया था केएफसी में वो कूड़ा पड़ा हुआ था, तो अभी मैं सोच रहा था भाई, जैसे मैं वीडियो में दिखाऊंगा, कमेंट सेक्शन में जो ज्यादा ज्ञानी होते हैं वो ये भी कमेंट भी तो कर सकते हैं ना भाई, तेरे को इतना तो तू खुद उठा के रख दे, तो बहुत चीजें देखनी पड़ती है सोशल मीडिया पे डालने से पहले। मतलब जो ज्ञानी बंदा होगा उसकी बात ठीक है कि भाई तू वीडियो में दिखा रहा है, चक के तू भाई फेंक ही दे, तू दिखा क्यों रहा है ना, सबके ओपिनियन सही होते हैं भाई, सबके साथ चलो, बट हेट किसी को मत दो भाई, प्यार बांटो, मस्ती मजाक में क्रिटिसिज्म वगैरह कर दिया करो किसी को भी, मैं ये नहीं कह रहा मेरे को ही, मतलब ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, हेट वगैरह ना भाई सही बता रहा हूँ, खुद्दू चीज है भाई। 6:38 हो चुके हैं, राजपुरम पहुंच चुके हैं, बट इस बंदे ने भाई बात नहीं मानी हमारी, कहता डोमिनोज तो जाऊंगा ही मैं, तो भाई स्पेशल अब डोमिनोज रुके हैं भाई, आप पिज्जा लेके ही मानने हैं, मन को मारना नहीं चाहिए यार, जैसे आपको बताइए ठंड का मौसम है तो विंटर स्पेशल सेल भी लग रखी है, चलो भाई जल्दी से ठंड के कपड़े ले लेते हैं भाई। एक चीज पसंद आ गई बट पता नहीं इसका साइज क्यों छोटा। चलो भाई खा पी के तो निकल चुके हैं, और ये देख लो भाई 500 किलोमीटर पूरे होने वाले हमारी ऑल न्यू स्कॉर्पियो NK, और ये लो हो चुके हैं, बधाइयां जी बधाइयां, बहुत बहुत बधाइयां, 500 और रहते हैं, जल्दी से 500 करते हैं, अलो शायद से चलवाते हैं फिर निकलते हैं ट्रिप पर। भाई टाइम हो चुके 7:46, और इसमें ना इधर टाइम लिखा हुआ नहीं आता, बट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे लिखा हुआ आता है, और हम पहुंच चुके हैं जीरकपुर के फेमस जाम पर, किसी टाइम आ जाओ जीरकपुर में आपको जाम तो भाई मिलेगा ही मिलेगा। अब थोड़ी वो ड्राइविंग की बात करूँ ना भाई, जो मजा आ रहा है ना ऑटोमेटिक चलाने में भाई, इतना कंफर्ट, क्योंकि मैं तो मैनुअल चलाता हूँ भाई, अलग ही स्वाद आ रहा है भाई ऑटोमेटिक का। हाईवे परफॉर्मेंस की बात करूं, जैसे सेडान में नहीं कटिंग वगैरह करते, इसमें भी भाई ऐसे ऐसे कटिंग करके आ रहा हूँ मैं, मतलब ऑब्वियस आता है सेडान जितनी तो नहीं, बट लैडर ऑन फ्रेम के बाद भी भाई इसमें बॉडी रोल बहुत ही कम मुझे भाई फील हुआ इसमें, हल्का फुल्का तो यार देखो अब SUV है तो होगा, बट स्टिल भाई जो ड्राइविंग का मजा है, आई नो मैंने ऐसे ड्राइव करते हुए ज्यादा रिकॉर्ड नहीं करा, क्योंकि वो यार नहीं कर रहा, एक बार मैं खुद समझ लूं, एक बार मेरा हाथ बैठ जाए जैसे वरना में बैठ रखा है, तो रिकॉर्ड वगैरह करने का समझ लो ना, वो कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस नहीं है तो मेरा सेफ्टी फर्स्ट। चलो जी फाइनली पहुंच चुके हैं घर, टाइम हो चुका है 8:37, बीच में अटफ हुआ, कुछ सामान लेना था वो लेने में रुक गया था, बट यस इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पे ही एंड करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड मैं आप सबको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।